बात कर रहे हैं पैरा एथलीटों से। ये सीधे दृश्य आप दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं पैरा एथलीटों से। प्रधानमंत्री उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और ये देखिए, प्रधानमंत्री एक टी शर्ट को भी देखते हुए पैरा एथलीटों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और कई केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उनके साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए। और जो एशियाई पैरा गेम्स में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री उन्हें बधाई देने के लिए वहाँ पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। और ये दृश्य आप देख रहे हैं जिनमें प्रधानमंत्री पैरा एथलीटों के साथ बातचीत करते हुए और उनके साथ संवाद भी करते हुए। ये बेहद ख़ास पल हैं जब प्रधानमंत्री पैरा एथलीटों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और अगर अब हम आपको बताएं इन पैरा एथलीटों की उपलब्धि, तो भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में 29 स्वर्ण पदक हासिल किए थे और कुल 111 पदक जीते थे। अगर पदकों की संख्या की बात करते हैं तो 2018 में किए गए पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तुलना में 54% अधिक क्षमता के साथ ये उपलब्धि इन पैरा एथलीटों ने हासिल की। और ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद ख़ास है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ पर उनकी हौसला अफजाई करते हुए, उनसे मुलाकात करते हुए, उन्हें बधाई देते हुए और भविष्य के लिए भी प्रेरणा देते हुए प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के इस दल को संबोधित भी करेंगे। तो अपने आप में ये बेहद ख़ास पल हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री स्वयं इन खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और ये संवाद के ये जो क्षण हैं अपने आप में बेहद अहम हैं, बेहद भावनात्मक भी हैं, जब प्रधानमंत्री स्वयं उनसे रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अनुभव भी साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है भविष्य के लिए भी, जो मोराल है उसको बूस्ट करने के लिए इन खिलाड़ियों के। और काफ़ी प्रसन्न ये खिलाड़ी भी दिखाई दे रहे हैं। बेहद आत्मीयता भरे वातावरण में प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं, तो बेहद ख़ास है प्रधानमंत्री के साथ इन खिलाड़ियों की ये मुलाकात। और बात करते हुए बेहद आत्मीयतापूर्ण ये क्षण दिखाई दे रहे हैं जब अपने अनुभव ये खिलाड़ी प्रधानमंत्री के साथ साझा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी पूरी रुचि के साथ उनसे बातचीत कर रहे हैं। और ये जो संवाद है ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है जब प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है और जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की है उसे एक बड़ी सराहना मिलती है, तो अपने आप भविष्य के लिए जो मनोबल बढ़ता है, प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के उसी मनोबल को बढ़ाते हुए, उनसे बातचीत करते हुए एक परिवार के बड़े सदस्य की तरह प्रधानमंत्री मिल रहे हैं पैरा एथलीटों के साथ, उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपना संबोधन भी देंगे। अपने आप में ये जो पैरा एथलीटों की एक बड़ी उपलब्धि है उसे एक बड़ी सराहना के तौर पर कहा जा सकता है। और ये पहली बार नहीं है, प्रधानमंत्री लगातार खिलाड़ियों से मिलते रहते हैं, युवाओं से मिलते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें भविष्य के लिए प्रेरणा भी देते हैं, तो इसी दृष्टि से ये जो क्षण हैं बेहद अहम कहे जा सकते हैं। बेहद आत्मीयता भरे ये क्षण हैं, बेहद भावनात्मक ये क्षण हैं जब प्रधानमंत्री एक परिवार के प्रमुख के रूप में उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनसे उनके जो अनुभव हैं वो साझा हो रहे हैं। खिलाड़ी भी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, उनके साथ आत्मीयतापूर्ण वार्तालाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पैरा एथलीटों के साथ बातचीत करते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण कहे जा सकते हैं, ये पल कहे जा सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री इस तरह से खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री हमेशा जो विभिन्न युवाओं के दल हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनसे मिलते हैं, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए और भारत की उपलब्धियों में और नए कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और उसी प्रोत्साहन के रूप में ये जो दृश्य हैं ये काफ़ी अहम हो जाते हैं।
और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में अपना संबोधन भी देंगे। खिलाड़ियों को शुभकामनाएं तो प्रधानमंत्री दे ही रहे हैं। विशेषकर इस तरह की जो मुलाकात होती है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, जब हम देश के लिए पूरी ताकत के साथ जुड़ने की, जुटने की और जीत की बात करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का स्वयं खिलाड़ियों से मिलना बेहद अहम हो जाता है प्रोत्साहन की दृष्टि से और एक महत्वपूर्ण आधार की दृष्टि से कि पूरा देश प्रधानमंत्री के रूप में इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण हैं जब प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं। और अगर हम एथलीट्स की बात करें तो इनकी उपलब्धि जो है वो भी बेहद बड़ी है क्योंकि पिछली बार से 54% ज़्यादा मेडल इन खिलाड़ियों ने जीते हैं। देश के पैरा एथलीट्स ने एशियन गेम्स में 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल मिलाकर कुल 111 मेडल जीते। अगर 2018 के पैरा एशियाड की बात करते हैं तो 72 मेडल जो हैं हमारी झोली में आए थे, लेकिन इस बार इन मेडल्स की संख्या 54% से ज़्यादा रही और भारत मेडल टैली में 5वें नंबर पर रहा। तो अपने आप में बेहद बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि के पीछे प्रधानमंत्री का ये जो समय समय का प्रोत्साहन है, सरकार के द्वारा खेल नीति में जिस तरह के परिवर्तन किए गए हैं, जिस तरह के नए अध्याय जोड़े गए हैं, जिस तरह से देश के हर कोने में खिलाड़ियों का जो प्रतिभा है उसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री की ये जो मुलाकात है इसे भी बेहद अहम कहा जा सकता है। और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, और ज़्यादा उपलब्धि हासिल करने के लिए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए और देश की उपलब्धियों में और नए पदक शामिल करने के लिए और नए चार चांद लगाने के लिए तो बेहद अहम है प्रधानमंत्री की ये मुलाकात। खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री एक परिवार प्रमुख के रूप से मिल रहे हैं, इन खिलाड़ियों से उनसे बातचीत कर रहे हैं और खिलाड़ी भी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं अपने अनुभव साझा करने के लिए। करीब 303 एथलीट्स जो हैं इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और इन एथलीट्स के साथ उनके कोच हैं, पैरालंपिक कमेटी के ऑफिशियल्स हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर्स, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अधिकारी और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में हैं। और अगर हम बात करें पिछले अनुभवों की तो एशियन गेम्स एथलीट्स से भी पीएम मोदी मिले थे और इससे पहले एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले एथलीट से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। और समय समय पर प्रधानमंत्री इस तरह से खिलाड़ियों से, युवाओं से विभिन्न क्षेत्रों में मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं और बेहद भावुक वो क्षण हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री एक परिवार के मुखिया की तरह उनसे उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी बात करते हैं और उनकी जो उपलब्धियां हैं उन पर भी उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, उनके कंधों पर हाथ रखकर उनकी सराहना करते हैं तो उनका आत्मविश्वास हमेशा दोगुना हो जाता है। और इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री का ये संवाद, प्रधानमंत्री की ये मुलाकात अपने आप में बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए खिलाड़ियों से, युवाओं से, पैरा एथलीटों से जिन्होंने शानदार उपलब्धि हासिल की है और उनकी उपलब्धि पर उनकी सराहना करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बेहद अहम ये क्षण है जब जो एथलीट्स का ये दल है ये भी काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, काफ़ी प्रफुल्लित नज़र आ रहा है प्रधानमंत्री से बात करते हुए, जो चेहरे की मुस्कान है वो लगातार जारी है। तो ये अपने आप में बेहद भावनात्मक मुलाकात, प्रधानमंत्री की बेहद प्रोत्साहित करने वाली मुलाकात इन खिलाड़ियों के साथ, इनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह
ये दृश्य प्रधानमंत्री के इन खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हुए और उनके साथ उनकी खुशी को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें कुछ बता भी रहे हैं, उनसे कुछ पूछ भी रहे हैं। तो बेहद ही भावुकतापूर्ण ये क्षण हो जाते हैं, बेहद आत्मीय ये क्षण हो जाते हैं। बेहद स्नेहपूर्वक प्रधानमंत्री इन युवा खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, इनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। और इसी प्रोत्साहन का नतीजा है कि लगातार जो देश के खिलाड़ी हैं वो पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगिताओं में पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ, पहले से ज़्यादा सुविधाओं के साथ, पूरे जज्बे के साथ जो खिलाड़ी हैं देश भर के, वो देश के लिए पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। सरकार ने जो खेल के क्षेत्र में विभिन्न नीतियां अपनाई हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है, खिलाड़ियों के लिए जो विशेष प्रावधान किए हैं, और देश के कोने कोने से प्रतिभाओं के पहचान और न केवल पहचान, प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए जो कदम उठाए हैं वो साफ तौर पर दिखाई देते हैं। और जब प्रधानमंत्री स्वयं खिलाड़ियों से मिलते हैं तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और खिलाड़ियों का जो उत्साह वर्धन है वो कई गुना बढ़ जाता है। और इन दृश्यों में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री अपना संबोधन तो देंगे ही, इसके साथ ही उनके भविष्य के लिए भी उन्हें मोटिवेट करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। और ये जो प्रोत्साहन है ये बेहद ज़रूरी होता है आत्मविश्वास के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर की तैयारी के लिए। तो ये अपने आप में बेहद अहम कार्यक्रम है, और लगातार इस तरह के प्रोत्साहन से ही जो देश के खिलाड़ी हैं, जो देश के युवा हैं, पहले से कहीं अच्छा प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में नज़र आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए खिलाड़ियों के साथ, और खिलाड़ी भी बेहद जो कि इस दल में शामिल हैं बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं, एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। और लगातार प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से मिलते रहते हैं, इससे पहले एशियन गेम्स एथलीट से भी प्रधानमंत्री मिले थे, और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं इन खिलाड़ियों के साथ। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पल हैं, बेहद स्वर्णिम पल इन्हें कहा जा सकता है इन खिलाड़ियों के लिए भी, जब देश के प्रधानमंत्री उनसे एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक परिवार के मुखिया के रूप में उनसे आत्मीयतापूर्ण बातचीत कर रहे हैं। बेहद बड़ी उपलब्धि भी इन खिलाड़ियों ने हासिल की है। अगर पिछली बार के मुकाबले देखें तो 54% ज़्यादा सफलता अर्जित करना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और ये दिखाता है कि देश में जो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास है, जो खिलाड़ियों का खुद पर भरोसा है, जो खिलाड़ियों का जीतने का जज्बा है, वो कितना मज़बूत हुआ है। और उस मजबूती में जो सरकार के कदम हैं और जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं रुचि लेते हैं, स्वयं खिलाड़ियों से मिलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और इस तरह से जब एक संबंध विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री का स्थापित होता है तो अपने आप ये जोश है, ये जज्बा है, और जो एक जीतने का जुनून है वो एक नई ऊंचाई लेता है। और उसी ऊंचाई को एक नया आधार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इन खिलाड़ियों के दल से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और उनसे संभवतः उनके अनुभव प्रधानमंत्री जान रहे हैं। ये खिलाड़ी भी अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा कर रहे हैं, अपनी खुशी प्रधानमंत्री के साथ साझा कर रहे हैं, अपने पदकों को प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं। अपने पदक के साथ ये जो खिलाड़ी हैं वहाँ पर आए हैं, और काफ़ी अहम हो जाता है
जब प्रधानमंत्री स्वयं हौसला अफजाई के लिए पहुंचते हैं। तो ये दृश्य अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। करीब 303 एथलीट्स जो हैं वो शामिल हैं, उनके कोच जो हैं वो मौजूद हैं, पैरालंपिक कमेटी के ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद हैं और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर्स, इसके साथ ही नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अधिकारी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रधानमंत्री की जो स्नेहिल वार्तालाप है इन खिलाड़ियों के साथ, प्रधानमंत्री का जो संवाद है, जो विचारों का आदान प्रदान है, वो उनके हौसले को मजबूत करता हुआ, उनके आत्मविश्वास को एक नया आधार देता हुआ ये क्षण कह सकते हैं कि अद्वितीय हैं। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए पैरा एथलीट दल से, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम हौसला अफजाई की बात करते हैं, जब हम उनकी उपलब्धियों की सराहना की बात करते हैं और इसके साथ ही भविष्य में और ज़्यादा आगे बढ़ने की बात करते हैं और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के दल को संबोधित भी करेंगे। तो ये दृश्य हैं पैरा गेम्स दल के खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात के। ये खिलाड़ी प्रधानमंत्री के साथ अपने जीत के लम्हों के अनुभवों को साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उनके सर पर हाथ रखते हुए, उन्हें आशीर्वाद देते हुए, उन्हें सराहते हुए अपने अनूठे तरीके से प्रधानमंत्री उनकी हौसला अफजाई करते हुए, बेहद भावुक क्षण ये कहे जा सकते हैं। और कितने भावुक ये क्षण हैं, ये जो खिलाड़ियों के चेहरों पे मुस्कान है ये अपने आप में बताती है। काफ़ी खुश ये खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं और खुश हों भी क्यों ना, प्रधानमंत्री स्वयं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनके अनुभव उनसे जान रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये एक बड़ा विश्वास है कि आप आगे बढ़ें, पूरा देश उनके साथ है, प्रधानमंत्री स्वयं उनके साथ हैं। ऐतिहासिक प्रदर्शन किया इन खिलाड़ियों ने। अगर हम इनके प्रदर्शन की बात करते हैं, 22 से 28 अक्टूबर तक ये खेल खेले गए थे और इसमें ऐतिहासिक प्रदर्शन इन खिलाड़ियों का रहा, जिसमें 29 गोल्ड समेत कुल 111 मेडल इन खिलाड़ियों ने जीते, जो पहले के अगर प्रदर्शन की बात करें तो उससे 54% ज़्यादा है। तो अपने आप में जो खिलाड़ियों का उत्साह है, जो खिलाड़ियों की क्षमता है, उनमें जो वृद्धि हुई है और उनके जीतने की जो जिजीविषा है वो कितनी बड़ी है, ये इसमें दिखाता है। और इसमें शामिल हो जाते हैं सरकार की वो नीतियाँ, सरकार के वो कदम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खिलाड़ियों को हर समय प्रोत्साहन, उनकी सीधी नज़र खिलाड़ियों की प्रतिभा पर, उन्हें आगे बढ़ाने पर। और जब प्रधानमंत्री स्वयं खिलाड़ियों से इस तरह से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे उनके बारे में जानते हैं और संभवतः कई अन्य चीज़ें प्रधानमंत्री स्वयं उनसे साझा करते हैं, तो ये उत्साह और ये क्षमता अपने आप में बढ़ जाती है। तो प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं न केवल उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए, बल्कि उनके फ्यूचर जो प्रतियोगिताएं हैं उसके लिए भी मोटिवेट करने के लिए, भविष्य में जो और उनके सामने प्रतियोगिताएं आएंगी, जो और उनके सामने नए चैलेंजेस आएंगे, उनसे जूझने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति को आधार देने के लिए। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के सर पर हाथ रखते हुए, उनके मेडल्स को देखते हुए, और ये देखिए प्रधानमंत्री जो मेडल है उसके ऊपर कुछ लिख रहे हैं संभवतः पेन से,
तो ये क्षण जो है बेहद आत्मीय हो जाते हैं, बेहद भावनात्मक हो जाते हैं। खिलाड़ी भी बेहद रोमांचित और बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री उनके इतने नज़दीक हैं एक परिवार के सदस्य की भांति। प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं और बेहद स्नेहपूर्ण ये क्षण दिखाई दे रहे हैं। एक खिलाड़ी को प्रधानमंत्री स्वयं जो उनका मेडल है वो पहनाते हुए, उनके सर पर हाथ रखते हुए, संभवतः आशीर्वाद देते हुए और इतने आत्मीयता के साथ उनसे मिलते हुए, तो यही वो चीज़ें हैं जो खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन में कई गुना बढ़ोतरी कर देती है, उनके जीत के जज्बे को और बढ़ा देती है और किन्हीं भी चुनौतियों से पार करने में सक्षम हो जाते हैं। प्रधानमंत्री उनके पास जो खिलाड़ी अपने साथ लाए हैं उनका निरीक्षण करते हुए और बेहद उत्साहित ये दल दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए, प्रधानमंत्री के साथ वार्तालाप करते हुए और उनसे अपने जो अनुभव हैं वो साझा करते हुए, और प्रधानमंत्री हर एक चीज़ को खुद देख रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, खुद बातचीत कर रहे हैं और यही वो पल हैं जो बेहद आत्मीय हो जाते हैं। देश के इन पैरा एथलीट्स ने एशियन गेम्स में 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल मिलाकर कुल 111 पदक जीते, कुल 111 मेडल जीते, जो 54% ज़्यादा हैं अगर हम 2018 के पैरा एशियाड की बात करते हैं जिसमें केवल 72 मेडल देश की झोली में आए थे। तो ये जो पदकों की बढ़ती टैली है, पदकों की बढ़ती संख्या है, ये दिखाती है कि सरकार का जो ध्यान है वो खेल और खिलाड़ियों के प्रति किस तरह से सकारात्मक रुख में बदलाव ला रहा है, प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, प्रतिभाओं को मंच के साथ साथ जब वो जीत कर आते हैं उनकी उपलब्धि पर उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, उन्हें सम्मानित भी किया जाता है, जिससे कि देश भर में जो और प्रतिभाएं हैं वो भी प्रेरणा लें, वो भी आगे बढ़ें और एक विश्वास कायम हो कि सरकार उनके साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उनके साथ खड़े हैं एक मजबूत आधार बनकर। तो पिछले कुछ समय में जो देश की खेल नीति है, जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के कदम हैं, प्रतिभाओं को जिस तरह से पहचाना जा रहा है, प्रतिभाओं को जिस तरह से मौका दिया जा रहा है, इसके साथ ही जो साधन हैं, सुविधाएं हैं वो दूर दराज के इलाकों में भी मुहैया कराई जा रही हैं ताकि कोई भी प्रतिभा मंच से वंचित ना रहे। अगर आना चाहते हैं युवा तो वो आएं, प्रत्येक क्षेत्र से आगे बढ़ें और उपलब्धियां हासिल करें, और जब उपलब्धि हासिल करके ये दल इस तरह से आते हैं तो प्रधानमंत्री का प्रोत्साहन उन्हें मिलता है, प्रधानमंत्री स्वयं उनसे मिलते हैं, स्वयं उनसे उनके अनुभव जानते हैं, केवल शाबाशी ही नहीं देते बल्कि प्रधानमंत्री आशीर्वाद भी देते हैं आगे बढ़ने का। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जो प्रतिनिधि दल है उनसे बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गेम्स 2022 पदक विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अभिनंदन के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में हम आप सबका पुनः स्वागत करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री के साथ मंच पर उपस्थित हैं
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री माननीय श्री निशित प्रमाणिक और श्रीमती दीपा मलिक, अध्यक्ष पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। आरंभ में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर से निवेदन है कि आप कृपया सभा को संबोधित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी, जनजातीय कार्य मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, गृह राज्य मंत्री, खेल राज्य मंत्री भाई निशित प्रमाणिक जी, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष दीपा मलिक जी, उपस्थित सभी खेल संघों के पदाधिकारी, सभी कोचेस और मेरे प्रिय पदक वीरों, खिलाड़ियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, जिन्होंने देश में खेलों को एक नया आयाम दिया, एक नया सोच कि खेलोगे तो खिलोगे, इसी भावना से खेलों को आगे बढ़ाया और खेलों की सुविधाओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय ऐसा था कि खिलाड़ी खेलों की सुविधाओं के लिए तरसते थे, प्रतिभा तो थी, सुविधाएं नहीं थी। आपने प्रतिभाओं को सुविधाएं देकर आज इतने मेडल जीतने के लायक बनाया है कि इन्होंने अपनी प्रतिभा चीन में दिखाई और वहां पर कई मंच, कई पोडियम तो ऐसे थे जहां केवल भारत ही दिखता था। इससे बड़ी खुशी की भारत के लिए बात क्या हो सकती है। 2010, 2014, 2018 में मिलाकर जितने मेडल आए थे, आपने भी 111 करके दिखा दिया कि तीन के बराबर आप एक थे। और इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले दो वर्षों में टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक से लेकर थॉमस कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में भी 100 पार और अब पैरा में भी 100 पार 111 करने का कीर्तिमान हुआ है। ये आज तक के सबसे ज्यादा मेडल हमने दो सालों में जीते हैं। और एक ऐसा अनुभव मैं साथियों आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के भाषण में एक एक बात पकड़ने वाली होती, जैसे इन्होंने शुरू में कहा था विकलांग नहीं दिव्यांग, डिसेबल नहीं स्पेशली एबल्ड। ये केवल शब्द का बदल नहीं है, ये सोच बदलने की बात है। आप किस नजरिए से देखते हो, प्रधानमंत्री जी ने खेलों के प्रति सोच बदली, दिव्यांग जनों को भी अवसर दिया, आप कहीं पीछे नहीं रहे। अगर एशियन गेम्स में 107 तो आप 111 मेडल लेकर आए हो। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग भावुक भी थे, बहुत सारे लोग खुश भी थे, लेकिन साथियों 17 साल पार्लियामेंट में रहते होंगे, 22-23 सालों से मैं खेलों से जुड़ा हूं, मैंने कभी देश के किसी प्रधानमंत्री को इतना अपना समय खेल और खिलाड़ियों के लिए देता नहीं देखा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। ये इतना अपनापन की एक एक खिलाड़ी के पास जाकर उसकी बात सुनना और वापस जाके मीटिंग बुलाकर कहना कि ये कर दो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग हो, तो सर हमने आपके कहने पर अब खिलाड़ी को किसी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ता, ऑनलाइन एप्लीकेशन करके इनके खाते में पैसा और अवार्ड चले जाता है, पैसा भी खाते में, एप्लीकेशन भी ऑनलाइन। और इस बार तो सर जैसा आपने कहा तो एशियन गेम्स में और पैरा गेम्स में दोनों में ही हमने अब खिलाड़ियों को भरने की भी जरूरत नहीं, सीधा इनके खाते में पैसा, जैसा आपका निर्देश है
सबको पैसा इनके खाते में चला जाएगा। इतना ही कहता हूं, एक बार फिर आप सभी पदक वीरों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत आप सबकी ओर से। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। इस देश में पहली बार हम देख रहे हैं कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री उन लोगों का अभिवादन और अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अपने कार्य से, अपने योगदान से अपने देश को गौरवान्वित किया है और विश्व में देश की आन बान और शान का परचम लहराया है। इस बेहद ही यादगार मौके पर माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है, आप कृपया मार्गदर्शन देते हुए आशीर्वचन दें। साथियों, आप सभी को मिलने का अवसर मैं खोजता ही रहता हूं। और इंतजार भी करता हूं, कब मिलूंगा, कब आपके अनुभव सुनूंगा। और मैंने देखा है कि हर बार आप नए उमंग के साथ आते हैं, नए उत्साह के साथ आते हैं, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबके बीच एक ही काम के लिए आया हूं, और वो है आप सबको बहुत बहुत बधाई देना। आप लोग भारत के बाहर थे, चीन में खेल रहे थे, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा मैं भी आपके साथ था। मैं हर पल आपकी हर गतिविधि को, आपके प्रयासों को, आपके कॉन्फिडेंस को, मैं यहां बैठे बैठे उसको जी रहा था। आप सभी ने जिस तरह देश का मान बढ़ाया है वो वाकई बहुत अभूतपूर्व है, और इसलिए आपको, आपके कोचिज को, आपके परिवारजनों को जितनी बधाई दें उतनी कम है। और मैं इस ऐतिहासिक सफलता के लिए आप सबका देशवासियों की तरफ से भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि स्पोर्ट्स हमेशा से एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होते हैं। आप हर खेल में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि एक मुकाबला आपके भीतर भी चलता रहता है। आप हर रोज खुद से भी कंपीट करते हैं, आपको स्वयं से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, और खुद को बार बार समझाना भी पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप रात को मन करता है कि कल सुबह नहीं उठना है, लेकिन फिर पता नहीं क्या कौन सी ऊर्जा है एकदम से उठा देती है और दौड़ा देती है। अगर आपको ट्रेनिंग करने की इच्छा न भी हो
फिर भी करनी पड़ती है। और चाहे सब ट्रेनिंग सेंटर से घर चले गए हो, लेकिन कभी कभी आपको कुछ घंटे एक्स्ट्रा पसीना बहाना पड़ता है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जैसा कहता है ना, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है, उतना ही खरा उतरता है। और उसी तरह आप सब तप करके खरे उतरे हो। यहां जो जो लोग इस गेम के लिए सिलेक्ट हुए, कोई वहां से जीत के आया, कोई वहां से सीख के आया, आप में से एक भी हार करके नहीं आया है। और मेरी तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, खेल में दो ही चीज होती है, या तो जीतना या सीखना, हारना वारना होता ही नहीं है। अभी जब मैं आप सबसे बात कर रहा था तो कुछ कह रहे थे कि इस बार एक कम रह गया, मैं अगली बार और जंप लगाऊंगा। यानी वो सीख करके आता है, नया विश्वास लेकर के आता है। बहुत लोग हैं जो इस बार गए होंगे, कुछ लोग पहली बार गए होंगे, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों में आपका सिलेक्ट होना, ये भी अपने आप की विक्ट्री है। आप इतनी सारी चुनौतियों से जूझकर और मजबूत हो गए हैं, और ये आपके इस ग्रुप के रिजल्ट में सिर्फ आंकड़ों का हिसाब नहीं है जी। हर देशवासी एक गर्व अनुभव कर रहा है, एक नया विश्वास देश के अंदर भर जाता है। आप सभी ने सिर्फ पिछले रिकॉर्ड ही तोड़े ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र में तो आपने उस रिकॉर्ड को धराशा ही कर दिया है। कुछ लोग सोचेंगे कि अब तो दो तीन गेम तक तो यहां पहुंच नहीं पाएंगे, ये स्थिति पैदा कर दी आप लोगों ने। और आप लोग 111 मेडल्स लेकर घर लौटे, 111, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। मुझे याद है मैं जब राजनीति में नया नया था, पार्टी के संगठन का काम करता था, और लोकसभा के चुनाव में हम 12 सीट लड़े और 12 की 12 जीत गए गुजरात में। तो हम तो ऐसे ही चलो जीत गए थे, हम दिल्ली आए, मेरे लिए आश्चर्य था। उस समय हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने मुझे गला लगा कर कहा, बोले थे जी पता है 12 क्या होता है, 12 की 12 जीतने का मतलब क्या होता है तुझे पता है? बोले कभी पूरे देश से हम 12 नहीं होते थे, तुम एक राज्य से 12 लेकर के आए हो। और 12 जीतने के बाद भी जब तक अटल जी ने मुझे कहा नहीं, मेरा उस दिशा में ध्यान नहीं गया था। आपके लिए भी मैं कहता हूं, ये 111 सिर्फ 111 नहीं है, 140 करोड़ सपने हैं ये। में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते थे, ये उससे भी 3 गुना ज्यादा है। 2014 की अपेक्षा हमें इस बार लगभग 10 गुना ज्यादा गोल्ड मेडल्स मिले हैं, 10 टाइम मोर। 2014 में हम ओवरऑल परफॉर्मेंस के 15वें स्थान पर थे, लेकिन आप सबने इस बार देश को टॉप 5 में ला करके रख दिया है।
देश पिछले 9 साल में इकोनॉमी में दुनिया में 10 पर से 5 पर पहुंचा और आज आपने भी देश को 10 में से 5 पर पहुंचा दिया। ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है और इसलिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। साथियों, बीते कुछ महीने भारत में खेलों के लिए बहुत ही अद्भुत रहे हैं और उसमें आपकी सफलता ये सोने पर सुहागे की तरह है। अगस्त महीने में हमें बुडापेस्ट की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड मेडल मिला। भारत की बैडमिंटन मेंस डबल टीम ने एशियन गेम्स में अपना पहला गोल्ड जीता। भारत की पहली वुमेन्स डबल पेयर ने एशियन गेम्स में टेबल टेनिस का मेडल जीता। इंडियन मेन बैडमिंटन टीम ने 2022 का थॉमस कप जीतकर इतिहास बनाया। हमारे एथलीट्स ने एशियन गेम्स में इतिहास की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए 28 गोल्ड मेडल्स के साथ कुल 107 पदक जीते। अब आपने एशियन पैरा गेम्स के अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। साथियों, आपके इस प्रदर्शन को देखकर सारा देश उत्साहित है और मैं बताऊं साथियों, बाकी गेम्स में जब एक खिलाड़ी मेडल लेके आता है तो खेल की दुनिया और खिलाड़ी, नए खिलाड़ी, इस सब के लिए बड़ी प्रेरणा बनता है, उमंग का कारण बनता है। लेकिन जब एक दिव्यांग विजयी होकर के आता है ना, तो सिर्फ खेल नहीं, जीवन के हर क्षेत्र की वो प्रेरणा बन जाता है, जीवन के हर क्षेत्र के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है। निराशा की गर्त में डूबा हुआ कोई भी इंसान आपकी सफलता को देख करके खड़ा हो जाता है कि ईश्वर ने तो मुझे सब कुछ दिया है, हाथ पैर दिमाग आंख सब दिया है, अरे ये कुछ कमी के बावजूद भी कमाल कर रहा है और मैं सोया पड़ा हूं, वो खड़ा हो जाता है। आपकी सफलता उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है और इसलिए आप जब सफल होते हैं, आपको जब कोई खेलते हुए देखता है तो वो सिर्फ खेल के मैदान तक या खेल की दुनिया तक सीमित नहीं रहता है, जीवन के हर क्षेत्र में हर किसी के लिए वो प्रेरणा का कारण बन जाता है और आपने वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, साथियों, ये स्पोर्टिंग कल्चर और स्पोर्टिंग सोसाइटी के रूप में भारत की प्रगति दिनों दिन हम सब देख रहे हैं। एक और कारण है जिसके चलते भारत में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास आया है। अब हम 2030 यूथ ओलंपिक और 2036 ओलंपिक गेम का आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं स्पोर्ट्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। स्पोर्ट्स पर्सन के हिस्से के में उसकी मेहनत, अगर आपको जो काम करना है कोई और नहीं कर सकता है, आपको ही करना पड़ता है। सारा परिश्रम स्पोर्ट्स की दुनिया में जो है उसको खुद को ही करना पड़ता है, कोई प्रॉक्सी नहीं होता है, खुद को ही करना पड़ता है। खिलाड़ियों को खेल का सारा प्रेशर खुद ही हैंडल करना पड़ता है। अपना धैर्य, अपना परिश्रम ही सबसे ज्यादा काम आता है।
हर व्यक्ति खुद के सामर्थ्य से बहुत कुछ कर सकता है। जब उसे किसी का सहयोग मिल जाए तो उसकी शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। परिवार, समाज, संस्थाएं और अन्य सपोर्टिंग इकोसिस्टम खिलाड़ियों को और नई ऊंचाई पर पहुंचने का हौसला देते हैं। ये सभी एक साथ होकर हमारे खिलाड़ियों का जितना ज्यादा साथ देंगे उनके लिए वो उतना ही अच्छा होगा। आप परिवार को लें तो हमारे घर के लोग अपने बच्चों को खेलों के प्रति आगे बढ़ने के लिए और सपोर्ट दे रहे हैं। जब आप में से और लोग, जब शायद आपको थोड़ा मौका मिला होगा, घर से थोड़ा प्रोत्साहन मिलता होगा, लेकिन इसके पहले के लोग तो नहीं, तुझे चोट आ जाएगी, तुझे ये हो जाएगा, फिर कौन देखेगा, तुझे वहाँ कौन संभालेगा, नहीं जाना है, घर में रहो, बहुत उससे गुजर कर के आए। आज मैं देख रहा हूँ हर परिवार बच्चों को इस क्षेत्र में भी आगे जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ये एक नया कल्चर देश में उभरना बहुत बड़ी बात है। समाज की बात हो तो लोगों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब आप भी देखते होंगे, पहले तो खेलकूद में अच्छा अच्छा पढ़ते नहीं हो, आप जाके कहोगे मैं मेडल लेगा, अच्छा यही करते हो क्या, पढ़ते नहीं हो क्या, कहाँ से खाओगे, कहाँ से खाओगे, यही पूछते थे। अब अच्छा तुम ले आए, लाओ जरा मैं छू लूँ, मैं भी जरा छू करके देखूँ। ये बदलाव आया है साथियों। उस वक्त अगर कोई स्पोर्ट्स में होता था तो उसे सेटल नहीं माना जाता था, उसको पूछा था लेकिन सेटल होने के लिए क्या करोगे, यही पूछा जाता था। लेकिन अब स्पोर्ट्स को भी एक प्रोफेशन के रूप में समाज स्वीकार कर रहा है। साथियों अगर मैं सरकार की बात करूं तो पहले ऐसा कहा जाता था कि खिलाड़ी सरकार के लिए है, लेकिन अब कहा जाता है कि सरकार पूरी की पूरी खिलाड़ियों के लिए है। जब सरकार और नीतियां बनाने वाले जमीन से जुड़े होते हैं, जब सरकार खिलाड़ियों के हित के प्रति संवेदनशील होती है, जब सरकार खिलाड़ियों के संघर्ष, उनके सपनों को समझती है, तो इसका सीधा प्रभाव सरकार की नीतियों में भी दिखाई देता है, अप्रोच में भी दिखाता है, सोच में भी दिखता है। देश में बेहतरीन खिलाड़ी पहले भी थे, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने वाली नीतियां नहीं थी, ना अच्छी कोचिंग की व्यवस्था, ना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही जरूरी आर्थिक मदद। तो फिर हमारे खिलाड़ी कैसे अपना परचम लहराते हैं? बीते 9 वर्षों में देश उस पुरानी सोच और पुरानी व्यवस्था से बाहर निकल गया है। आज देश में एक ऐसे खिलाड़ी है, कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन पर 4-4, 5-5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार की अप्रोच अब एथलेट सेंट्रिक हो है। सरकार अब एथलेट्स के सामने से ऑब्स्टेकल्स दूर कर रही है, अपॉर्चुनिटी बना रही है। कहा जाता है पोटेंशियल प्लस प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू परफॉर्मेंस। जब पोटेंशियल को उचित प्लेटफॉर्म मिल जाए तो परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है। खेलो इंडिया जैसी योजनाएं खिलाड़ियों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनी है, जिनसे हमारे एथलीट्स को ग्रास रूट लेवल पर खोजने और सपोर्ट करने का रास्ता खुला है। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि कैसे टॉप्स इनिशिएटिव हमारे एथलीट्स को उनका प्रदर्शन सुधारने में मदद कर रहे हैं। पैरा एथलीट्स को मदद करने के लिए हमने ग्वालियर में डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी की है।
और आप में जो लोग गुजरात से परिचित होंगे उनको मालूम होगा कि इस दुनिया में सबसे पहले प्रवेश करने का प्रयास गुजरात से शुरू हुआ था और धीरे 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 करके एक पूरा कल्चर विकसित हो गया। आज भी वो गांधीनगर के इंस्टीट्यूट, आप में से बहुत लोग हैं जो शायद वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग पर रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सारे इंस्टीट्यूशंस जब आकार लेती है तो तब उसका सामर्थ्य पता नहीं होता है, लेकिन जब निरंतर वहां साधना होती है तो सामर्थ्य की अनुभूति देश करने लग जाता है। मुझे विश्वास है कि ये जो सारी फैसिलिटीज है, आप जैसे कई और विजेता देश को मिलने वाले हैं, मेरा पूरा भरोसा है। साथियों, 300 से ज्यादा के आप लोगों के ग्रुप में मैंने पहले ही कहा कोई भी हारा नहीं है, और मेरा जो मंत्र है मैं दोबारा कहता हूं, कुछ जीत करके आए हैं, कुछ सीख करके आए हैं। आप मेडल से ज्यादा खुद और अपनी लीगेसी को देखिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी बात है। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया और जिस तरह उनसे उभरने के लिए अपनी शक्ति को परिचय दिया, वही इस देश के लिए आपका सर्वोच्च योगदान है। आप में से कई लोग छोटे शहरों, सामान्य पृष्ठभूमि और मुश्किल परिस्थितियों से निकल करके यहां आए हैं। कई लोगों ने जन्म से शारीरिक परेशानियों का सामना किया है, कई लोग दूर दराज के गांव में रहे हैं, किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है जिसने उनका पूरा जीवन बदल डाला है, लेकिन आप फिर भी अड़ी गए। आपकी सफलता सोशल मीडिया पर देखिए, शायद किसी खेल को इन दिनों इतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती है जितनी आप लोगों को मिलती है। हर कोई खेल में कुछ समझ नहीं है, वो भी देख रहा है ये बच्चा कर रहा है, इसके शरीर में तकलीफ है तो भी इतना बड़ा कर रहा है, देख रहे हैं लोग। उनके घरों में बच्चों को दिखाते हैं, देखो कैसे कर रहे हैं बच्चे। गांव के बेटे बेटियां, छोटे शहरों के लोग आपके जीवन के किस्से आज स्कूल, कॉलेज, घर में मैदान में हर जगह पे चर्चा हो रही है। आपका संघर्ष और ये सफलता उनके मन में भी एक नया सपना बुन रही है। आज चाहे जो परिस्थितियां हो, लेकिन वो बहुत बड़ा सोच, बहुत बड़ी प्रेरणा पा रहा है, उनमें बड़ा बनने की लालसाएं पनप रही है। हर टूर्नामेंट में आपकी सहभागिता मानवीय सपनों की जीत है, और यही आपकी सबसे बड़ी विरासत है, और इसी कारण मुझे यह विश्वास है कि आप ऐसे ही परिश्रम करेंगे और देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। हमारी सरकार आपके साथ है, देश आपके साथ है, और साथियों संकल्प का सामर्थ्य बहुत होता है। अगर आप मरी पड़ी सोच से चलते हैं ना, न दुनिया को चला सकते हैं, न ही आप कुछ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपने बहुत लोग देखे होंगे, आप कहोगे भाई जरा यहाँ से रोहतक जाकर के आओ तो 50 बार सोचेगा बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा। और कुछ लोग, अच्छा रोहतक जाना है, ठीक है मैं शाम को जा कर के आ जाता हूँ, सोचता ही नहीं, वो हिम्मत करता है। सोचने का ताकत होती है। और आपने देखा होगा 100 के पार कहना ऐसे नहीं होता है जी, एक लंबी सोच भी होती है, पूरा परिश्रम का रिकॉर्ड भी होता है, और फिर आत्मविश्वास भर करके संकल्प के साथ निकल पड़ते हैं इस बार 100 के पार, और फिर 101 पर नहीं रुकते, 111 करके आ जाते हैं। आज जब मैं कहता हूं साथियों, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, और इसलिए मैं कहता हूं कि हम ही हैं जो 10 नंबर की इकोनॉमी से 5 पर पहुंचे
और डंके की चोट पर कहता हूं, इसी दशक में 3 पर पहुंच के रहेंगे। इसी के आधार पर मैं कहता हूं 2047 में ये देश विकसित भारत बन के रहेगा। अगर मेरे दिव्यांग जन सपने पूरे कर सकते हैं तो 140 करोड़ की ताकत एक भी सपने को अधूरा नहीं रहने देगी, ये मेरा विश्वास है। साथियों, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है। और नए संकल्प और नया आत्मविश्वास, हर सुबह नई सुबह, तभी तो जाकर के मंजिल अपने पास आती है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।